हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे मोजरेला चीज़ और इसी चीज़ से हम नेक्स्ट वीडियो में पिज़्ज़ा भी बनाएंगे। चीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डेयरी का कच्चा दूध लिया है। अगर हम पैकेट वाला दूध यूज़ करेंगे तो चीज़ वैसा नहीं बनेगा जैसा हमें चाहिए। मैंने यहाँ पे 1 लीटर कच्चा और फ्रेश दूध लिया है। आप भी डेयरी का फ्रेश दूध ही यूज़ करें। इस दूध को हम एक हंडी पर निकाल लेंगे और उसे मीडियम लो फ्लेम पर चालू कर देंगे। याद रखें, इसका जो फ्लेम है वो मीडियम लो फ्लेम ही होना चाहिए, वरना दूध अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो चीज़ जो है वो चीज़ नहीं बनेगा, वो पनीर हो जाएगा। दूध को हमें उतना गर्म करना है जितना हम उसमें उंगली डालें, तो हमें हल्का हल्का गर्म लगना चाहिए। अगर उंगली को चटका लगने लगे इसका मतलब दूध जो है वो ज़्यादा गर्म हो गया है। दूध हमें जितना गर्म चाहिए था वो उतना गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 7 से 8 चम्मच विनेगर डालेंगे। विनेगर डालने से हमें जो कर्ड चाहिए वो दूध से अलग हो जाएगा। ऐसा होने में 1 से 2 मिनट लगेंगे। तब तक हम दूध को हल्का हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे। और यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है वो बंद कर दिया है। ये देखिए, कर्ड जो है वो दूध से अलग होने लगा है। हम इसे ऐसे ही हिलाते रहेंगे जब तक पूरा कर्ड अलग ना हो जाए। ये देखिए, कर्ड पूरी तरह अलग हो चुका है। अब हम इसे एक कपड़े पर छान लेंगे। जब तक हम इसे छानेंगे हम क्या करेंगे, एक हंडी ले लेंगे, उसमें 3 से 4 ग्लास पानी डालेंगे और फिर उस पानी को हम गरम करेंगे। इस पानी को भी हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, हमने जो दूध गरम किया था उससे थोड़ा ज़्यादा गरम करेंगे इसे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक कपड़ा ले लिया है। अब हम इस दूध को इसमें डालेंगे। इस कपड़े को हम चारों कोनों से पकड़कर इसे हम ऊपर उठा लेंगे और ये जो कर्ड है इसमें से सारा पानी निचोड़ कर निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने जो पानी रखा था गरम करने के लिए उसमें हम 1 चम्मच सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट डालने से हमारे चीज़ में सॉल्टी टेस्ट आएगा। अब हमने जो कर्ड अलग किया था उसे हम इस पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। हम इसे ऐसा गूंदेंगे जैसा हम आटा गूंदते हैं। हम इसे 30 से 40 सेकेंड ऐसे ही पानी में गूंदेंगे। उसके बाद हम इसे पानी से निकाल कर हाथ में ले लेंगे और फिर इसे हाथ से स्ट्रेच करेंगे। इसे हम जितना स्ट्रेच करेंगे हमारा चीज़ उतना ही अच्छा बनेगा। हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ही स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद हम उसे पानी में डुबोते डुबोते स्ट्रेच करेंगे। ऐसे 2 मिनट तक स्ट्रेच करने के बाद हम उसे उसी पानी में 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम उसे पानी से निकाल कर एक प्लेट पर ले लेंगे। उसके बाद हम इसे आइस कोल्ड वाटर में डालेंगे। मैंने यहाँ पे आइस क्यूब्स भी लिए हैं। इससे हमारा चीज़ इंस्टेंटली ठंडा हो जाएगा और टफ हो जाएगा। हम इसका बॉल बनाकर फ्रिज में रख देंगे और फिर हम इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा मोजरेला चीज़ बनकर रेडी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको पिज़्ज़ा बनाकर दिखाऊंगा। उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।